सर, राइट ले लो। कुछ गांवों में पानी घुसा है और अभी पानी वहां है भी, धीरे धीरे जलस्तर कम होने की सूचना मिल रही है। अभी हमारी पहली प्रायोरिटी है कि लोगों को उन गांवों से बाहर निकाल लें, जिसमें हम लोग ऑलमोस्ट सभी जगह सफल हो चुके हैं। एक दो जगह बस्तियों में पानी घुसा है तो उनको हम मंदसौर शहर में शिफ्ट कर रहे हैं और ये कार्यवाही लगातार चल रही है। हाँ, इस स्थिति को देखते हुए आज मंदसौर और मल्हारगढ़ तहसील और नगर पालिका क्षेत्रों के स्कूलों की छुट्टी घोषित की गई है, ताकि बच्चों को अनावश्यक परेशान न होना पड़े और स्कूल के बसों के आवागमन से या कहीं पे नदी नाले पुलियों में पानी होने के कारण कोई समस्या पैदा न हो। सर, आगे क्या कुछ अलर्ट है मौसम? अभी जो मौसम के अलर्ट से उसके हिसाब से तो ज़िले में बारिश की संभावना कम दिख रही है, लेकिन इसका इम्पैक्ट तब भी पड़ता है जब अपस्ट्रीम में बारिश होती है। ऊपर के जो ज़िले हैं, प्रतापगढ़ वगैरह में जब बारिश होती है, कल प्रतापगढ़ में काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी और उसका डाउनस्ट्रीम यहाँ है तो उसमें पानी आ जाता है। तो हम लोग स्थिति पर लगातार नज़र बनाए हुए हैं और सभी से अपील भी करते हैं कि वो धीरज रखें और किसी अफवाह में ना पे ध्यान दें और जैसे ही कोई सूचना मिलती है उसको पुलिस से, प्रशासन से और नगर पालिका से शेयर करें। मंदसौर शहर, मंदसौर तहसील के कुछ गाँव में और मल्हारगढ़ के काफ़ी गाँव में, पीपलिया मंडी, नारायणगढ़, मल्हारगढ़ और उसके आसपास के गाँव में काफ़ी जगह पानी घुसा है। अपस्ट्रीम में तेज़ बारिश होने के कारण और ज़िले में भी बारिश होने के कारण ये स्थिति बनी है। तो सभी जगह पुलिस की, प्रशासन की, नगरपालिका और इनसे रिलेटेड टीमें जो हैं वो तत्काल बचाव के लिए पहुंच चुकी हैं। कहीं भी किसी के हताहत होने की सूचना नहीं मिली है। जो लोग निचली बस्तियों में फंसे हुए थे उन्हें सुरक्षित निकाल कर और राहत के जो कैंप्स हैं उसमें पहुँचा दिया गया है। विभिन्न गांवों में भी और नगर पंचायत क्षेत्रों में, मंदसौर शहर में भी राहत कैंप शुरू कर दिए गए हैं और हर संभव सुविधाएं प्रदान की जा रही है। जहां से भी सूचना मिल रही है वहां पर हमारी रेस्क्यू टीम जा रही है और आवश्यक सहयोग है प्रदान कर रही है। हाँ, फोटो ले लो जरा। अरे नहीं, अगर लागे तो लागे तो।